हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट मास्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि बीपीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम जो है, जो कि 27 सितंबर को हुआ था, यानी कि ट्यूसडे को, प्रीवियस जो ट्यूसडे था उस दिन। तो उस एग्ज़ाम का लेवल क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस थे और क्या आगे कुछ होने वाला है। ठीक है, सब कुछ के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और बाकी इसका आंसर की भी अभी तक गेट मास्टर के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है, क्यों रिलीज नहीं किया गया और कब तक ये रिलीज किया जाएगा, वो भी हम लोग सब एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो प्रोवाइड किया गया एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो एनालिसिस है वो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस तीनों ब्रांच के लिए है। तो अगर आप इस एग्जाम में अपियर हुए हैं या फिर इन फ्यूचर आप बीपीएससी के इस तरह के एग्जाम में आप अपियर होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है सिर्फ उनके लिए है जो कि लेक्चर के एग्जाम में या तो अपियर हुए हैं या फिर मान लीजिए अपियर होने वाले हैं। मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी जो अपियर होने वाले हैं उनके लिए भी है, क्योंकि एक तरह का ये एनालिसिस है। तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके, जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना चाहिए। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट इससे मिले। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के। सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 39/2022, तो उसका जो पेपर था उसमें देखा गया कि पेपर बहुत लेंदी था, कैलकुलेटिव था। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल था, जब हमने बात किया बहुत सारे कैंडिडेट से, तो क्वेश्चन का जो लेवल पता चला वो एक तरह का मीडियम टू हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। और बीपीएससी का जो पूरा हिस्ट्री है कि बीपीएससी के हिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कभी नहीं पूछे गए। ठीक है, इतना कैलकुलेटिव, कुछ नए क्वेश्चंस भी थे, कुछ डायरेक्ट गेट से उठाया हुआ क्वेश्चन था, कुछ बाकी अदर जो ईएससी के एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन सीधा था एकदम डेटा सेम, और कुछ जो है इसरो का एग्जाम हो गया या फिर बहुत सारे जो पेपर थे उससे ये क्वेश्चन उठाए हुए थे, कुछ क्वेश्चन नए भी थे। तो ये सब तरह की बात है। तो जहाँ तक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस भी आए थे। जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आपका जो न्यूमेरिकल मेथड उसमें सिलेबस में नहीं है, जबकि न्यूमेरिकल मेथड से टोटल 3 क्वेश्चन किए गए थे उसमें। ठीक है, तो ये बीपीएससी में थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी डाल दिया जाता है। तो इसी को, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है ऐसा। ठीक है, पहले भी आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए जब हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था तो उसमें भी हमने कुछ एनएम के क्वेश्चन डाल दिया था उसमें भी। ठीक है, ताकि वो हो सकता है वो पूछ ले। ठीक है, और ऐसा हुआ भी, कंप्यूटर साइंस में उन्होंने पूछ लिया, 3 एनएम के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक न्यूटन ये उस रेगुला फलसी का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस था वो पूछा गया था, और एक और 2 क्वेश्चन और थे वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जैसे एक था न्यूटन रैप्सन का क्वेश्चन था सीधा। ठीक है, तो ये सब तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे इसमें। और बाकी सिविल में जो है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं थे, लेकिन लगभग वो सारे टॉपिक को टच किए गए थे उन्होंने। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लगभग उन्होंने सारे टॉपिक को टच किया था और सारे टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन डाला था। ठीक है, फॉरियर सीरीज से भी डाला था, वेव इक्वेशन से भी उन्होंने क्वेश्चन डाला था, और बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उससे तो अच्छे खासे क्वेश्चंस भी थे उसमें। ठीक है, तो ये सब तरह की बात है। तो अगर और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्वेश्चन कुछ हद तक अच्छा था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन बाकी सिविल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल पोर्शन था वो कंपेरेटिवली, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, असिस्टेंट प्रोफेसर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसमें जो है इसका लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा अच्छा था, यानी कि ज्यादा हाई लेवल था। तो ये सब तरह की बात थी। तो यानी कि जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लेक्चर का जो क्वेश्चन लेवल है, लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से थोड़ा सा हाई लेवल का था, और वही सब क्वेश्चन पूछे गए थे और कैलकुलेटिव भी था, लेंदी भी था। बाकी कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है गेट से, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधा डाला हुआ था, और
इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है टेक्निकल पोर्शन जो 50 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें गेट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गेट गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बाकी इस तरह के एनालिसिस थे। और इस तरह का जो क्वेश्चन है बीपीएससी अभी तक कहीं पे वो सेट नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि तो हर एग्जाम में देखा जा रहा था कि वो डायरेक्ट टू द पॉइंट जो मतलब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो 17 के क्वेश्चन पूछते थे, आइदर वो असिस्टेंट इंजीनियर के का एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, सब में वही करते थे। लेकिन इस बार से कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, तो इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर आप आने वाले एग्जाम में जैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के का जो एग्जाम है उसमें अपियर होने वाले हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस का जो नया एडवर्टीजमेंट आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें अपियर होने वाले हैं, तो ये जो एनालिसिस है वो आपको बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है उसमें। ठीक है, अब ये सब तरह की बात हो गई। मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से तीनों ब्रांच का जो कम अगर समराइज करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन उन्होंने गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया था, और कुछ जैसे सिविल में एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था वो भी कुछ ले लिया गया था, और बाकी दोनों ब्रांच में गेट का क्वेश्चन मैक्सिमम था, कुछ इसरो के भी क्वेश्चंस थे, तो ये सब तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ईएससी के भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और बाकी ये जो एनालिसिस है वो आप देख करके अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। बाकी अगर ये इसमें आंसर की बात करें, गेट मास्टर के द्वारा अभी तक आंसर की रिलीज नहीं किया गया है। अगर क्यों नहीं रिलीज किया गया है तो क्योंकि इस पे अभी जो था वो रिसर्च चल रहा था कि किस तरह के क्वेश्चंस कहाँ से कैसे कैसे उठाए गए हैं उस पर बात चल रही थी, और उसके बाद जो है लगभग आंसर की जो है तैयार है, और प्रोबेबली आज शाम तक जो है सिविल का आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा, और उसके बाद कल मॉर्निंग में कंप्यूटर साइंस और इवनिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स का आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जब एलिजिबिलिटी का लिस्ट देखा देखा होगा आपने, तो आपने सोचा होगा कि इतना स्टूडेंट एलिजिबल है इसमें फाइट होगा, लेकिन अटेंडेंस जहां तक है कि लगभग सारे ब्रांच में अटेंडेंस जो है 40 to 50% रहा है। ठीक है, 50% से ज्यादा तो किसी ब्रांच में नहीं रहा है, और 40% के आसपास लगभग एवरेज इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और सीएसई में भी लगभग 40% एवरेज जो है 40% के आसपास अटेंडेंस रहा है। ठीक है, तो अटेंडेंस के कारण भी जैसे मान लीजिए सिविल में लगभग मान लीजिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट अपियर होंगे हुए होंगे तो 2,500 से 3,000 के आसपास अपियर हुए होंगे, उससे ज़्यादा अपियर नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरह से आप सीएससी और इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, सब में लगभग अटेंडेंस इसी के आसपास रहा है। ठीक है, तो बाकी या जो है इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरीज है आपके तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी जो है हम लोग मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आंसर की रिलीज करेंगे और उसके बाद होगी तो और कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।